भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन के खास पर्व को हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अलग अंदाज में मनाया है। जी हां, इस पर्व को और खास बनाने के लिए राजेंद्र गर्ग ने अपने विधानसभा हलके घुमारवीं में स्थित अस्पतालों व पुलिस स्टेशन में कार्यरत कोरोना योद्धाओं से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई किया है। वहीं घुमारवीं ददोल बटेर बराड़ी स्थित अस्पतालों में फ्रंट वॉरियर के रूप में कार्यरत डॉक्टर, नर्स व सफाई कर्मचारियों सहित पुलिस स्टेशन में कार्यरत महिला कांस्टेबल द्वारा मंत्री राजेंद्र गर्ग को राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लिया, तो साथ ही राजेंद्र गर्ग सहित बाशवा मंडल की महिलाओं व युवकों ने कोरोना बैरियर को रक्षा सूत्र भी बांधा। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए कोरोना योद्धाओं ने अपनी अहम भूमिका अदा की है, इसलिए रक्षाबंधन का ये त्योहार इन योद्धाओं के साथ मनाना जरूरी है, ताकि अपनी जान जोखिम में डालकर देश सेवा के लिए ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे इन योद्धाओं को न केवल हौसला और बढ़ सके बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकें। आज रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है जो हमारे देश के अंदर भैया बहन के इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, श्रद्धा के साथ मनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इस त्यौहार को इस बार थोड़ा और बड़ा आकार देकर राष्ट्रीय एकता एकात्मता के लिए इस त्यौहार को मनाएंगे, और विशेषकर आजकल जो महामारी देश और दुनिया में फैली हुई है, इस महामारी से निपटने के लिए जो बंधु हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस के लोग तथा अन्य लोग जो हैं, जो ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन सबको हम इस राष्ट्रीय एकता के लिए, एकात्मता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध कर जो है इस त्यौहार को मनाएंगे। इसलिए आज यह